शिक्षा से पहले संस्कार, बिजनेस से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता। अगर इन तीनों को आपने पहचान लिया तो किसी भी क्षेत्र में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक विशेषण पे चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने हिंदी के बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो बना दिए हैं, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से हिंदी ग्रामर नाम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो विशेषण, कोई भी टॉपिक्स पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है, और पढ़िए इस प्रकार कि आप किसी को पढ़ा सकते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं, सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा तो यही आ रहा होगा कि विशेषण किसे कहते हैं। तो देखिए, विशेषण किसे कहते हैं इसको थोड़ा जान लेते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताता है उसे ही विशेषण कहते हैं। बहुत सिंपल है, विशेषता से विशेषण बना हुआ है, यानी संज्ञा और सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताता है उसे ही विशेषण कहते हैं। विशेषण क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो आसान भाषा में समझिए। वैसा शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता को बताता है उसे ही विशेषण कहते हैं। जैसे कि संज्ञा सर्वनाम आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में हिंदी ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे सभी टॉपिक्स पे वीडियो बना दिए हैं, जाकर देखिए संज्ञा के बारे में क्या बताया गया है, सर्वनाम के बारे में क्या बताया गया है। विशेषण के उदाहरण से थोड़ा समझते हैं। जैसे कि अच्छा बुरा काला गोरा। अच्छा क्या है? किसी का अच्छा एक विशेषण है, यानी उसकी विशेषता बता रहा है। जैसे कि मैं अच्छा हूँ, मेरा विशेषता यह है कि मैं अच्छा हूँ। मैं बुरा हूँ, मेरी यह विशेषता है कि मैं बुरा हूँ। तो उसी को जिसकी विशेषता बताया जाता है संज्ञा और सर्वनाम की, या किसी भी वस्तु की जो विशेषता बताता है उसे ही कहते हैं विशेषण, यानी गुण को बताता है। आप समझ गए होंगे अब मैं आशा करता हूँ। अब दूसरा प्रश्न आपके मन में ये आ रहा होगा कि आखिर ये विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि विशेषण के भेद। विशेषण को इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है, विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहा जाता है, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम होता है, ठीक है। तो विशेषण के भेद कितने हैं? विशेषण के चार भेद हैं। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, व्यंजन वर्ण इसमें कितने हैं? तो व, स, स, न, चार हैं। तो विशेषण के चार भेद होते हैं। कौन कौन से चार भेद होते हैं इसको भी थोड़ा जान लीजिए। तो देखिए, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, ये जो है संख्या विशेषण के चार भेद हैं। अब जो है हमारे चैनल का मोटो ही है आपको ट्रिक से याद करवाना। तो ट्रिक क्या है? SSPG, एक ज़िले में SSP होते हैं, SP से ऊपर SSP होते हैं। तो SSPG हम उन लोगों को सम्मान से बुलाते हैं, सुनिए SSPG। SSPG से कैसे? S से संख्यावाचक, S से सर्वनामिक विशेषण, P से परिमाणवाचक विशेषण और जी से गुणवाचक विशेषण। अगर इस ट्रिक से नहीं याद हुआ तो दूसरा ट्रिक भी है मेरे पास, वो है GSPS। जी से गुणवाचक विशेषण, एस से संख्यावाचक विशेषण, पी से परिमाणवाचक विशेषण और एस से सार्वनामिक विशेषण। इस वीडियो में आपको फैन का नॉइज सुनाई दे रहा होगा, पंखा का, बहुत गर्मी है और ये वीडियोस जो है दोपहर को बन रहा है, जिसके कारण फ़ैन को ऑन किए हुए हैं, जिसके कारण इस वीडियो में आप लोगों को नॉइज सुनने को मिल रहा होगा, उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। तो अब आता है क्वेश्चन कि आखिर ये गुणवाचक विशेषण कहते किसको हैं। तो गुणवाचक विशेषण भी देख लीजिए, तो जिस विशेषण से किसी का गुण या दोष प्रकट होता है, जिस विशेषण से किसी का गुण या दोष प्रकट होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह पढ़ने में तेज है, उसका वह विशेषता बता रहा है कि वो क्या है, पढ़ने में वह तेज है, यानी कि इसका विशेषण जो है पढ़ने में नहीं, ये तेज जो है उसकी विशेषता है। पढ़ता तो सब कोई है,
लेकिन तेज कोई कोई ही होता है। तो वो उसका विशेषता है, वह चालाक है। वह क्या है? चालाक है, ये जो है उसकी विशेषता बता रहा है, यानी कि यही विशेषण हो गया। कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। मेरा दोस्त ईमानदार है। दोस्त तो सभी का होता है, लेकिन जो मेरा दोस्त है वो जो है ईमानदार है। ईमानदार जो है यहाँ पे विशेषण है। तो ये आप समझ गए होंगे कि गुणवाचक विशेषण कहते किसको हैं। अब आते हैं संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। जहाँ पर संख्या का बोध हो वो वहाँ संख्यावाचक विशेषण होता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम में संख्या का बोध होता है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में भी वैसा विशेषण जिससे संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बहुत सारे आप अपने मन से भी परिभाषा इसका बना सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि आखिर ये संख्यावाचक विशेषण उदाहरण के तौर पर कैसे होते हैं। तो उदाहरण है, वहाँ पर दो किताब है। किताब वहाँ पे है, लेकिन कितने किताब हैं? तो दो हैं। संख्या आ रहा है, दो, दो संख्या है एक। तो ये जो है संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। उसी प्रकार दो भैंसें काली है। काली जो है विशेषता है, यानी विशेषण है, लेकिन कितने हैं? तो दो ही भैंस जो हैं काली है, संख्या आ रहा है। यहाँ पे गाय के चार पैर होते हैं, चार, चार संख्या है, तो चार क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। सभी गाय काली होती है। यहाँ पे बोलिएगा कि सर यहाँ पे विशेषण संख्यावाचक विशेषण किस प्रकार है, क्योंकि यहाँ पे संख्या संख्या तो है नहीं। आइए इसको भी समझते हैं। तो देखिए, संख्यावाचक विशेषण जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। यानी कि अनिश्चित कहने का मतलब निश्चित नहीं है कि कितने हैं, और एक है कि निश्चित कह रहा है जैसे 2, 3, 4, लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे कि सभी गायें। कितने गायें हैं ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन कह रहा है कि सभी गायें, ठीक है। तो ये है अनिश्चित संख्यावाचक का विशेषण। ये संख्यावाचक का विशेषण हुआ। और संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक। ये भी आप समझ गए होंगे हम आशा करते हैं। नहीं समझ में आया है कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आएगा, दोबारा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब नोट, यहाँ पे नोट एक और बात कीजिएगा कि सिर्फ संख्या वाले ही संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। माप तौल वाले जो हैं, यानी मापा जाता है जिसे तौला जाता है, वो परिमाणवाचक विशेषण में आएंगे। ये बात आप नोट कीजिएगा, ठीक है। अब परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? परिमाण मतलब होता ही है मापना और तौलना। तो जिस विशेषण से माप तौल जैसा बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि मापना तोलना जैसा बोध होता है उसे ही परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, देखिए, सड़क 5 मीटर चौड़ा है, हम नापे हैं तभी तो पता चला है, नापना कि कितना मीटर वो चौड़ा है और कितना मीटर लंबा है, आखिर नापे हैं। तो नापे हैं तो ये कौन सा होगा? परिमाणवाचक विशेषण। सेब कैसे किलो है, सेब किलो से मिलता है, ये नहीं कि गिन कर मिलता है कितना सेब, दर्जन से नहीं मिलता है सेब, किलो से मिलता है। तो उसे जो है मापा जाता है सेब को, आटा दाल चावल चीनी ये सब को जो है मापा जाता है किलो में, ठीक है। तो वो सभी जो हैं परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण होंगे। और परिमाणवाचक विशेषण भी जो है दो प्रकार के विशेषण होते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कहने का मतलब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? तो जिसमें निश्चित बताया गया हो, जैसे कि ये 5 मीटर चौड़ा है, इसमें निश्चित कह रहा है कि ये 5 मीटर चौड़ा है, बट यहाँ पे कंफर्म नहीं कर रहा है कि सेब जो है कैसे किलो है, यानी रेट नहीं बता रहा है, ठीक है। या यहाँ पे ये भी रहता है कि सेब कितने किलो हैं, तो निश्चित नहीं है ये। तो ये निश्चित नहीं रहेगा तो अनिश्चित परिमाणवाचक होगा, और निश्चित अगर रहेगा तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अगर यही रहता कि सेब 5 किलो है, निश्चित है 5 किलो है, तो निश्चित परिमाणवाचक होता। आप समझ रहे हैं ये, फिर मैं आशा करता हूँ। सार्वनामिक विशेषण क्या है? सार्वनामिक विशेषण क्या है ये भी समझ लीजिए। ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वैसा वाक्य, वाक्य मतलब सेंटेंस, जिसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आ जाता है
उसी को कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। उदाहरण से समझिए, यह बालक छोटा है, बालक सर्वनाम है और छोटा जो है संज्ञा है। तो बालक जो है पहले आ रहा है और छोटा जो है बाद में आ रहा है। तो परिभाषा में ही दिया गया है कि वैसा वाक्य जिसमें सर्वनाम पहले आता है और संज्ञा बाद में आता है उसे ही कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। नाम से ही पता चल रहा है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। और यह पुस्तक मेरी है, पुस्तक जो है सर्वनाम है और मेरी जो है संज्ञा है। देखिए पहले कौन आ रहा है, सर्वनाम आ रहा है, पुस्तक। बहुत ही सिंपल है भाई विशेषण। अगर इससे सिंपल कोई बताता है तो उसकी गारंटी हम ले सकते हैं कि इससे सिंपल आपको कोई नहीं बताया होगा। चलिए और थोड़ा इसके बारे में, विशेषण के बारे में थोड़ा जानते हैं। एक शब्द आता है प्रतिशेषण। आखिर ये प्रतिशेषण है क्या? तो विशेषणों की जो विशेषता बताता है उसे ही प्रतिशेषण कहते हैं। देखिए, जो शब्द वैसा शब्द या जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताता है, विशेषण की विशेषता बताता है उसे ही कहते हैं प्रतिशेषण। प्रतिशेषण उसे कहते हैं, समझ गए। अब प्रतिशेषण उदाहरण से समझिए, जैसे कि अच्छा है, अच्छा ये विशेषण है, बहुत अच्छा है, ये क्या होगा? प्रतिशेषण होगा। यानी विशेषण का भी बहुत अच्छा बता रहा है, बहुत उसमें ज़्यादा इंक्लूड हो रहा है, बहुत, तो वो हो जाएगा प्रतिशेषण। अब थोड़ा समझते हैं विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है। तो विशेषण की तीन अवस्थाएं होती है, जैसे कि अंग्रेजी में विशेषण तीन प्रकार का होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। उसी प्रकार जो है हिंदी में भी तीन होते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। उदाहरण से समझिए, अधिक, अधिकतर और अधिक, अधिकतम, ये जो है उदाहरण है अधिक, अधिकतर और अधिकतम। उसके बाद उच्च, उच्चतर और उच्चतम, ये सभी जो हैं विशेषण की अवस्थाओं का उदाहरण है कि विशेषण कितने अवस्थाएं उसकी होती है और उसका उदाहरण किस प्रकार है। तो ये विशेषण, हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से विशेषण समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा कि विशेषण क्या है, इसके प्रकार कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो वीडियो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो गाइज, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।